हाय गाइस, हाउ आर यू? सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं सुधीर सचदेवा और फिर आपके सामने लेकर के हाजिर हूं कुछ नया। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा सर हिंदू लॉ के बारे में कुछ बताइए, तो आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों वो हिंदू लॉ के बारे में शुरुआत करेंगे दोस्तों। और हिंदू लॉ में बहुत सारे टॉपिक्स हैं और उन सभी मेन टॉपिक्स को हम यहां पर पढ़ना शुरू करेंगे। उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहला टॉपिक हमारे सामने आता है दोस्तों, वो है हिंदू मैरिज से जुड़ा हुआ। जी हाँ, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं दोस्तों हिंदू मैरिज से जुड़े हुए। तो आइए अपने इस हिंदू लॉ की शुरुआत की जाए और हमारा जो पहला टॉपिक होगा दोस्तों इसका, वो होगा हिंदू मैरिज। जी हाँ, सो अपने आप में एक ऐसा सैक्रमेंट यानी एक ऐसा संस्कार है जो हिंदू धर्म में बेहद जरूरी माना गया है। ठीक बात है कि नहीं? जैसे हिंदू धर्म की बात करें तो जब एक जातक यानी एक कोई भी शिशु जन्म से पहले जब गर्भ में होता है तो वहीं से संस्कार हमारे शुरू हो जाते हैं। 16 संस्कार हैं और उन संस्कारों में से एक संस्कार है ये विवाह संस्कार, राइट? तो हिंदू मैरिज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सैक्रमेंट, ये हमें समझने की जरूरत है। और जन्म से लेकर के उसके बाद जातक संस्कार, जो भी हमारे संस्कार होते हैं, नामकरण संस्कार, उपनयन संस्कार, बहुत सारे, एंड तक, अंत्येष्टि तक, यानी जब तक व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक के संस्कार चलते रहते हैं। उनमें से इस हिंदू मैरिज के बारे में आज हमें दोस्तों डिस्कशन करना है। सो इसमें होता क्या है? हमारे इस धर्म में जो फादर है उसका बहुत बड़ा रोल है। फादर की डॉटर, जिस फादर की डॉटर है उसकी एक ड्यूटी बनती है कि वो अपनी बच्ची को बड़ा करे, उसका लालन पालन करे, और उसके बाद जब वो विवाह योग्य हो जाए तो उसकी ये पायस ड्यूटी बनती है, उसका धर्म भी बनता है कि वो क्या करे, एक ऐसे सूटेबल पर्सन को फाइंड आउट करे जो उसकी कन्या के लिए योग्य वर है। यानी अब वो अपनी इस अपने इस धर्म को निभाएगा, अपनी पुत्री को दुल्हन के रूप में देखेगा, उसको ब्याहेगा, किससे? उस ब्राइड ग्रूम से जिसको वो ठीक समझता है। और इसी फादर के द्वारा क्या किया जाएगा, इसी फादर के द्वारा क्या किया जाएगा, कन्यादान किया जाएगा, वो अपनी कन्या का दान करेगा। दिस इज व्हाट इज गिफ्ट बाय द फादर टू ब्राइड ग्रूम। तो उस फादर ने किया क्या है, अपनी पुत्री का दान कर दिया, कन्यादान कर दिया। और ये जो ब्राइड ग्रूम है ये उस दान को एक्सेप्ट करता है। इसीलिए इस कन्यादान का बहुत बड़ा महत्व है। अगर फादर नहीं है तो क्या होगा, फादर के ना होने की स्थिति में जो भी गार्जियन है वो ये काम करेगा। तो पेरेंट्स में ड्यूटी है किसकी, पेरेंट्स में ड्यूटी है ये फादर की। फादर के ना होने पर ये सब काम कौन करेगा, गार्जियन करेगा। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? तो हिंदू मैरिज में फादर की एक ये पायस ड्यूटी बताई गई है कि उसे एक वर्चुअस पर्सन, गुणवान व्यक्ति ढूंढना है, सूटेबल पर्सन ढूंढना है अपनी पुत्री के लिए, जिसका लालन पालन उसने बड़े प्रेम से किया होगा और अब वो उसको ब्याहेगा, राइट? ये है विवाह का पूरा केस, हिंदू मैरिज। ये अकॉर्डिंग टू रघुनंदन ये डेफिनेशन दी गई है। तो हिंदू मैरिज की अगर डेफिनेशन आपके सामने आ जाए आपके एग्जामिनेशन में, तो आप वहां पर यही लिखेंगे कि फादर क्या करता है, एक योग्य वर ढूंढता है और उस योग्य वर से अपनी पुत्री का विवाह कर देता है, गिफ्ट के रूप में उसे देता है, कन्यादान कहा जाता है उसे, और जो ब्राइड ग्रूम है वो उसे एक्सेप्ट करता है, राइट? और क्या क्या डेफिनेशन दी गई है ऋग्वेद के अनुसार, हमारे चार वेद हैं हिंदू धर्म में, राइट? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। उसमें ऋग्वेद में क्या कहा गया है, वैसा ही कुछ जैसे कि ये डेफिनेशन आपने देखी। ऋग्वेद के द्वारा कहा गया
कि भाई फादर की ड्यूटी बनती है, फादर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो क्या करे, फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि वो अपनी कन्या का लालन पालन करे, ही शुड ब्रिंग अप हर डॉटर, और फिर उसे क्या करना है, एक वर्चुअस पर्सन को फाइंड आउट करना है, और उसको फाइंड आउट करने के बाद उस पर्सन को दूल्हा बना देना है, अपनी पुत्री को दुल्हन, और फायर गॉड के सामने यानी अग्नि के साथ फेरे, ठीक बात है कि नहीं, फायर गॉड के सामने वो क्या करेगा, उनको साक्षी मान करके गिफ्ट के रूप में अपनी कन्या को देगा। दिस इज व्हाट इज कन्यादान। ये सारी बातें कहां गई, कहां लिखी गई, ऋग्वेद में। और यहीं से उस पिता का एक ऐसा एब्सोल्यूट, ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट राइट आता है कि वो अपनी कन्या का विवाह किसी भी वर से कर सकता है जो योग्य वर से लगे, उसकी ही पायस ड्यूटी है। और ऐसे पर्टिकुलर केस में वो जो पुत्री है, जो उसकी कन्या है, बेटी है, डॉटर है, भाई देखा जाए तो उसके हां या ना का इसमें कोई मटेरियल सिग्निफिकेंस नहीं है, यानी कंसेंट जो है वो उसका जरूरी नहीं है कि हां पुत्री कहेगी तभी होगा। आज आज की डेट में देखा जाए तो भैया पुत्रियां अपने वर खुद ही ढूंढ करके ला रही हैं, जमाना धीरे धीरे बदलता जा रहा है, वो सब बातें अलग हैं। लेकिन ऋग्वेद के अनुसार ये पिता का धर्म है कि वो एक योग्य वर से अपनी पुत्री का विवाह करे। सो इट इज ऑलमोस्ट एन एब्सोल्यूट राइट। क्या लिखा है कि पिता का ये एब्सोल्यूट राइट बताया गया है, और इसमें डॉटर के एसेंट का यानी कंसेंट का कोई मटेरियल सिग्निफिकेंस नहीं है। देखिए बड़ी समझने वाली बात है, पिता का धर्म भी बताया कि आपको वर्चुअस पर्सन ढूंढना है, सूटेबल पर्सन ढूंढना है, ये नहीं कि किसी भी जो शराबी गवाबी कुछ भी हो उसके गले बांध दो, ऐसे नहीं। पहले पिता का धर्म बताया गया कि पिता को अच्छी तरह से सब कुछ देखभाल करके अपनी पुत्री का विवाह करना है, और ऐसे समय में फिर पुत्री का अपने पिता पर यह विश्वास है कि वो भी जो भी करेंगे वो मेरे लिए सबसे बेस्ट होगा, राइट। सो इस हिसाब से जो हिंदू धर्म है वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं उन चीजों को क्या रखा गया है, सामने प्राइमरी तौर पर रखा गया है। तो ऋग्वेद के अनुसार, ये भी हमने डेफिनेशन पढ़ ली दोस्तों, ऋग्वेद के अनुसार हमने ये पढ़ा क्या कि फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वर्चुअस पर्सन को ढूंढना और फिर उससे अपनी पुत्री का विवाह कर देना, किसके सामने, फायर गॉड के सामने, यानी अग्नि को साक्षी मान करके अग्नि के साथ फेरे लेंगे ये लोग और फिर जाके विवाह संपन्न होगा। हम बात करेंगे व्हेन वी विल कम टू नेचर ऑफ हिंदू मैरिज, देन वी विल कम टू व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर हिंदू मैरिज, व्हाट आर द एसेंशियल्स फॉर दैट, व्हाट काइंड ऑफ नेचर हिंदू मैरिज हैज, राइट, वो भी बात करेंगे। बट फिलहाल मैरिज की डेफिनेशन की बात चल रही है, राइट अब चलते हैं आगे। एक केस लॉ आया और उस केस लॉ में बड़ी ही जबरदस्त चीज जो है सामने आई, तिकाइत मनमोहिंती वर्सेस बसंत कुमार। उसमें हिंदू मैरिज के बारे में बताया गया कि भाई ये एक संस्कार है, एक ऐसा संस्कार जो हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में से एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट संस्कार है। सो इट इज अ सैक्रामेंट, सैक्रामेंट यानी संस्कार। और इस संस्कार के बाद जिन लोगों की मैरिज हो रही है, वर और वधु, राइट, उनका एक ऐसा यूनियन बन जाता है, ऐसा यूनियन जो कि इनडिसोल्यूबल है, यानी अखंड हो जाता है वो। अब एक बार आप विवाह के बंधन में बंध गए तो भैया अब आपके आने वाले जो नेक्स्ट जन्म होंगे ना उसमें भी आप साथ ही रहेंगे, जन्म जन्मांतर का साथ जैसे कहा जाता है, राइट। यानी इस डेफिनेशन में, इस पर्टिकुलर केस लॉ में रादर ये कहा गया कि फ्लैश विद फ्लैश, बोन विद बोन, यानी आप दोनों एक हो जाते हैं, अब आपको कोई जुदा नहीं कर सकता, इवन मृत्यु के उपरांत भी जब आप दूसरा जन्म लेंगे तब भी ईश्वर आपको ही मिलाएगा, इसी कहते हैं जन्म जन्मांतर का साथ, राइट। सो दिस इज अ यूनियन विच कंटिन्यूज टिल नेक्स्ट
टिल नेक्स्ट वर्ल्ड, इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये है दोस्तों हिंदू मैरिज की मेन बातें। अब जो हिंदू टेक्स्ट हैं बहुत सारे, देखो इतनी सारी मनुस्मृति है, स्मृतियां हैं बहुत सारी, राइट, इस तरह के और भी हिंदू टेक्स्ट हैं, इतने स्क्रिप्चर्स हैं, न जाने कितना ज्ञान का भंडार है दोस्तों। वहां पर से निकाल करके उन हिंदू टेक्स्ट में से हिंदू मैरिज के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट बातें। नंबर एक के जो ये पुरुष है, शादी से पहले जब तक उसका विवाह संस्कार नहीं हो जाता वो तब तक अधूरा रहता है। अ मैन इज ओनली हाफ ऑफ हिज सेल्फ, अधूरा है भैया, जब तक कि उसका विवाह नहीं हो जाता, यानी उसके जीवन को पूर्ण करने के लिए कौन आएगी, जो उसकी भार्या आएगी, जो उसकी पत्नी आएगी, वही उसको अपूर्ण से पूर्ण करेगी, आधे से पूरा करेगी। तो वो पूरी तरह से जन्म ही नहीं लेता जब तक कि उसकी वाइफ ना आ जाए, जब तक कि उसका विवाह ना हो जाए तब तक उसका समझ लो पूरी तरह से जन्म ही नहीं हुआ, वो अधूरा है तब तक। यानी केवल और केवल मैरिज के हो जाने के बाद ही वो पुरुष कंप्लीट होता है। एंड द सेम इज द केस विद वाइफ ऑल्सो। सो खास करके क्या कहा गया कि एक व्यक्ति, एक पुरुष जब तक उसका विवाह नहीं हो जाता वो केवल आधा है, अभी उसका पूर्ण जन्म हुआ ही नहीं है। कारण हिंदू धर्म में जो भी व्यक्ति यहां जन्म ले रहा है उसके ऊपर तीन तरह के ऋण होते हैं, डेट्स, पितृ ऋण, दूसरा है देव ऋण, तीसरा है ऋषि ऋण। और जिसने भी जन्म लिया उसे ऋषि ऋण यानी सेजेस, जो साधु संत महात्मा हैं, उनकी तरफ उसका एक ऋण बनता है, वो उनकी सेवा करके उनको उस ऋण को उतारना है। देव ऋण यानी देवताओं की पूजा करके उसे वो ऋण उतारना है। और फिर पितृ ऋण होता है जो उसके पुरखे हैं, एंसेस्टर्स हैं, उनके मृत्योपरांत, उनके कोई भी मान लो उसकी मृत्यु हो जाती है उसके बाद वो पहले फ्यूनरल राइट्स होते हैं। आपने सुना होगा कि कोई व्यक्ति एक बार एक्सपायर हो जाए तो उसका फिर दाह संस्कार होगा, दाह संस्कार के बाद उसके बहुत सारे, मरने के उपरांत बहुत सारे कर्म होते हैं जो उसे करने होते हैं, और ये माना जाता है कि इसी के बाद उस मृत व्यक्ति को मोक्ष मिलता है, मुक्ति मिलती है। और इन सब के लिए किसकी जरूरत है, पुत्र की जरूरत है, क्योंकि कहा जाता है कि किसी भी पर्टिकुलर हिंदू धर्म में अगर कोई भी व्यक्ति जन्म लिया उसने, जब वो मृत्यु उसकी हो जाती है उस समय उसको हेल से बचाने के लिए, नरक यातनाओं से बचाने के लिए केवल और केवल एक रास्ता है कि उसका पुत्र जो है उसका फ्यूनरल राइट्स और उसके बाद जितने भी कर्म है वो सब करे। इसीलिए विवाह बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आने वाले समय में संतान की उत्पत्ति हो और पूरा का पूरा वंश आगे बढ़े। सिर्फ इस कर्म के लिए नहीं, वो तो मृत्यु के उपरांत की बात हो गई, लेकिन जीवन भर बहुत सारे यज्ञ करने के आवश्यकता है। हिंदू धर्म में बहुत सारे ऐसे राइट्स बताए गए हैं, वो वाला राइट नहीं कि मेरा राइट, RIGHT वाले राइट नहीं, RITES। तो ऐसे बहुत सारे यज्ञ कर्म हैं और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जहां पर एक पुरुष अगर अकेला करेगा वो पूरे के पूरे जितने भी काम कर ले, बड़े से बड़े यज्ञ कर ले, वो सब इनकम्प्लीट रहेंगे अनलेस और अनटिल उसकी वाइफ, उसके कंपेनियनशिप ये साथ में हो। यानी अगर कोई व्यक्ति महान यज्ञ कर रहा है दोस्तों, तब भी जब तक उसकी वाइफ उसके साथ नहीं है वो यज्ञ अपूर्ण माना जाएगा। अगर आपको याद हो और आपने रामायण देखी हो तो रामायण में श्री राम, भगवान श्री राम क्या करते हैं, वो एक ऐसा यज्ञ करते हैं जब सीता माता को वो वनवास दे देते हैं बाद में, तो उस समय जब वो ऐसा यज्ञ कर रहे हैं कि भाई
हर जगह उनकी जीत का घोड़ा जो है जाएगा, दौड़ेगा और हर देश विदेश से गुजरेगा। या तो वो उनकी स्वीकार कर ले कि हाँ जी आप ही हमारे अन्नदाता हैं, आपको हम अपना राजा मानते हैं, और अगर नहीं मानते तो लड़ाई करें। अब ये भी यज्ञ अगर करना है तो ऐसे समय में भी किसकी जरूरत थी? वाइफ की जरूरत थी, सीता माता की जरूरत थी। तो ऐसे समय में क्या किया गया? उनकी मूर्ति बना करके इस यज्ञ को पूर्ण किया गया। बहुत सोचने समझने वाली बातें हैं। तो ऐसे न जाने कितने और एग्जाम्पल्स हैं। सो ऑल इन ऑल वापस आते हैं उस पॉइंट पर कि एक व्यक्ति का हिंदू धर्म में जन्म लेने के बाद बहुत सारे ऋण हैं, उन ऋण को भी उसने उतारना है। उसके पूरे के पूरे जीवन में बहुत सारे उसे राइट्स करने हैं, राइट। इन सब चीजों में अकेले वो करेगा तो उसकी वैल्यू ही नहीं है, अनलेस और अंटिल उसकी वाइफ उसके साथ में हो। दोनों मिल करके ही अगर यज्ञ करेंगे, कोई भी हवन करेंगे, किसी भी तरह का कर्म करेंगे, दान करेंगे, तो उसकी वैल्यू ज्यादा मानी जाएगी। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अकेले उसकी वैल्यू ही नहीं है, वो अपूर्ण माना जाएगा। सो इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस है इस मैरिज की, राइट। और मरणोपरांत सन का पूरा रोल आ गया, उसकी बात करते हैं, आइए देखें। सो मैरिज वॉज मेंट फॉर डूइंग गुड डीड्स एंड अटेन मोक्ष। अब ये जो गुड डीड्स की बात है भैया, जब तक आप जीवन में, पूरा जीवन आपका चल रहा है, तो भैया उस समय तक करने की क्या जरूरत है? उस समय तक आपको ये सब यज्ञ करने हैं, बहुत सारे दान करने हैं, ऋषियों की सेवा करनी है, माता पिता की सेवा करनी है, बहुत सारे काम कर रहे हैं, और अंत में मोक्ष प्राप्ति के लिए आपको संतान की आवश्यकता है, सन की आवश्यकता है राधा। तो अगर हम देखें कि क्यों आखिरकार हिंदू धर्म में सन की यानी बेटे की इतनी बड़ी महत्ता है, तो वो उसके लिए ये बहुत बड़ा रीजन है। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लोगों ने सोचा अरे लड़का होगा तो कमाएगा, इसीलिए लड़के की ज्यादा जरूरत है। तो धीरे धीरे अज्ञानतावश लोगों को मालूम नहीं होता, तो वो कुछ भी करते करते कहते हैं जी बस हमें तो लड़का चाहिए ताकि वो कुछ कमाए, आगे वंश बढ़ाए। बट अल्टीमेटली उसके पीछे ये बहुत बड़े रीजन है, राइट। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक वो क्या है शादी का, वो हिंदू मैरिज का, आइए वो पढ़ें। वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, टू फुलफिल रिलीजियस ड्यूटीज एंड बिगेटिंग ऑफ अ सन। जो रिलीजियस ड्यूटीज है और सन, ये दो ऐसे मेन काम हैं जो शादी के बाद आपको पहले पूरी जीवन में करने हैं। जैसे मैंने बताया बहुत सारे यज्ञ होंगे, हवन होंगे, बहुत सारे और राइट्स हैं, आपके मृत्योपरांत सन का रोल बहुत बड़ा आ जाता है उसके बाद, राइट। हु इनेबल्स अ मैन टू गेट डिलीवरेंस फ्रॉम सफरिंग्स ऑफ हेल, यानी जो उसकी नरक यातना है वहां से एक तरह से उसका जो सन है उसके पास ये पावर है कि उसकी अंत्येष्टि क्रिया करके, एंड में फ्यूनरल राइट्स पूरे करके, वो जो आने वाला जन्म है अपने पिता का, अपने पूर्वजों का, उसका उद्धार करता है। जी हाँ, तो जिन डेट्स की दोस्तों मैंने बात कही थी आपसे, वो सब बातें यहां पर आपके सामने आ रही हैं। सन का बहुत बड़ा रोल है यहां पर, ये डेट्स, ये ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, राइट। ये ऋण उतारने हैं किसी भी व्यक्ति को जो हिंदू धर्म में पैदा हुआ। और अब जब ये सन की बात आती है तो उसका काम क्या है भैया? एंड में ये काम, ऐसा नहीं है कि बस एंड में ही काम आएगा भैया। जीवन में आप आए हो, माता पिता ने आपको जन्म दिया, उनकी सेवा करिए, सब कुछ उनके चरणों में है, उनकी सेवा करेंगे तो भैया दुनिया में ऐसी कोई सक्सेस का पॉइंट नहीं है जो आप अचीव ना कर पाए। और इस बात का जीता जागता उदाहरण मैं हूं, और मैं तो बहुत छोटा सा उदाहरण हूं, न जाने कितने बड़े बड़े उदाहरण होंगे, राइट। सो कहने का मकसद यहां पर ये कि पिता को, पेरेंट्स को मुक्ति और मोक्ष दिलाने का कार्य भी किसका है? पुत्र का। तो ये हिंदू मैरिज के बाद देखा जाए तो ये आपके बहुत सारे काम आएंगे। मैं ऐसी कुछ चीजें बताने जा रहा हूं मैरिज के बारे में विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। सबसे पहली बात, सोशल लाइफ में इसका सबसे बड़ा महत्व है। फिर
इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट संस्कार, 16 संस्कारों में से बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बार मैरिज हो गई भैया तो हम क्या बोलते हैं यहां पर, ये है वंस फॉर ऑल, एक बार आगे मैरिज हो गई तो समझो कि अब हो गया, ये आपके जन्म जन्मांतर का साथ हो गया। दैट इज व्हाई इट इज रिटन एज इट इज सोलमनाइज्ड वंस फॉर ऑल। अब जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो मैंने बता भी दिए, बट नाउ वी आर गोइंग टू रीड दैट। क्या कहा मैंने, ऑल रिलीजियस सेरेमनीज एंड राइट्स जो आपको अपने जीवन पर्यंत करने हैं, शादी के बाद ही उन सब की वैल्यू आती है दोस्तों, आर टू बी परफॉर्म्ड बाय अ हिंदू इन कंपेनियनशिप ऑफ हिज वाइफ। जैसे मैंने क्या बताया, कोई भी यज्ञ हवन, कुछ भी आप दान, कुछ भी पुण्य, कुछ भी करते हैं, कोई भी तीर्थ यात्रा, दोस्तों शादी होने के बाद अगर आपकी वाइफ आपके साथ नहीं है तो समझ लीजिए उन उन सब कर्मों का कोई महत्व ही नहीं रह जाता, महत्वहीन हो जाते हैं वो। सो अगर ऐसा नहीं होता, अदरवाइज दे विल बियर नो फ्रूट्स और दे विल नॉट बियर एनी फ्रूट्स, कुछ भी कर लो उनका कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है। जी हां, ये हमारे दोस्तों वेद पुराणों की बातें हैं, राइट। सो ये बातें हमने पढ़ी मैरिज के बारे में। माय डियर फ्रेंड्स, ये वाला पोर्शन जो आपने पढ़ा, ये सब बताता है कि हिंदू मैरिज आखिरकार चीज क्या है, ठीक है। लेकिन हमें अभी अगले सेशन में कुछ और भी बातें करनी है कि हिंदू मैरिज का नेचर क्या है, उसके क्या क्या एसेंशियल्स हैं, कब वो मैरिज पूरी होती है, और क्या ये एक कॉन्ट्रैक्ट है। हमने तो अभी पढ़ा कि भाई हिंदू मैरिज इज अ सैक्रमेंट, ये तो एक संस्कार है भाई, लेकिन क्या ये कॉन्ट्रैक्ट भी है समय के बदलते। पहले तो यही बोलते रहे भाई सैक्रमेंट है, इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे करते करते और बहुत सारी पुराने जितने भी हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, वैदिक स्क्रिप्चर्स, उनको भी देखा गया, सबको पढ़ा गया, तो वहां से भी कुछ रेफरेंस लेकर के और आज के बदलते समय के अनुसार ये भी बताया गया कि भाई ये एक कॉन्ट्रैक्ट भी है, राइट। इन सब के बारे में बातचीत की जाएगी जब हम बातचीत करेंगे नेचर ऑफ हिंदू मैरिज की, बट दैट विल बी डन इन अवर नेक्स्ट सेशन। माय डियर फ्रेंड्स, ये सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है, हिंदू लॉ के हिंदू मैरिज वाले टॉपिक में सेकेंड पार्ट में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, बाय बाय।